नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल अननोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, नहाने के पानी से कैसे आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं, तमाम उपाय मैंने अपनी काफी वीडियो में आपको बताए हुए हैं। आज आपको एक ऐसा ही उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को यदि आपने रेगुलर 3 दिनों तक किया, आप देखेंगे लक्ष्मी आपके पास बहाने मार कर आएगी, पैसे आपके पास बहाने मार मार कर आना शुरू हो जाएंगे। और आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। नहाने के लिए जब आप बाथरूम में जाते हैं तो जो पानी है उस पानी में आपको अपनी इस पहली उंगली, जो आपकी तर्जनी उंगली है, इस उंगली से आपको लिख देना है वो शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ। जिस दोस्तों, पानी ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर खींच लेती है। पानी को आप जिस चीज में मिला देते हैं, पानी उसी चीज का रूप धारण कर लेता है। आपकी बॉडी के अंदर आपने पानी पिया, वो आपकी बॉडी का रूप धारण कर लिया उसने। पानी में जो कलर डालते हैं, पानी उस कलर का हो जाता है। पानी बहुत जल्दी अभिमंत्रित किया जा सकता है दोस्तों। जिन शब्दों से आप पानी को अभिमंत्रित करेंगे, पानी उतनी जल्दी काम करता है। पानी को दोस्तों आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ये करना है, वो करना है और नहीं हो रहा है, आप पानी अभिमंत्रित करके पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे दोस्तों, चुटकी बजा कर काम होगा। आप एवरीडे ग्लास में पानी लें और जो आप चाहते हैं वो आप बोलें, और उस समय आप अपनी उंगली को पानी के अंदर रखें, अपनी तर्जनी उंगली पानी के अंदर रखें। जो आप चाहते हैं उस चीज को आप 5 बार बोले, 7 बार बोल दें और उस पानी पर उस उंगली को घुमा करके पी जाए। बहुत बढ़िया रेमेडी है दोस्तों, आप घर में कर सकते हैं। जो बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप जो भी माताएं हैं, पानी ले लें कांच के ग्लास में और उस पानी को लेकर के पहली उंगली पानी के अंदर डालें और उस बच्चे का नाम लेकर के बोले कि तुम्हें पढ़ाई में बहुत मन लगता है, तुम्हें पढ़ाई में बहुत आगे निकलना है। इस टाइप की अपनी विश, अपनी भावनाओं को उस पानी के अंदर आप डालें और उस पानी की तरफ उस समय आप देखते रहें, और उसके बाद में फूंक मार करके उस पानी को बच्चे को देना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे दोस्तों कि आपका बच्चा पढ़ाई में आगे निकल जाएगा। जो इंसान, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज से डर रहा है, तो आप पानी ले लें और अपनी विश करें कि अब तुम्हें इस चीज से डर नहीं लग रही है। इन शब्दों से पानी को आप अभिमंत्रित करें और उस पानी को उस व्यक्ति को देना शुरू करें, उस चीज से वो डरना छोड़ देगा। तो पानी दोस्तों बहुत जल्दी अभिमंत्रित होता है, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। एक्चुअली पानी खुद एक सजीव चीज है, वो खुद एक लाइफ है। आपको उसको अपने तरीके से सिर्फ मोड़ना होता है। तो ये उपाय दोस्तों आप शुरू कर दें मंगलवार की सुबह से ही। आप पानी ले लें किसी बर्तन में और उस पानी को, या तो जिस टब में आपने पानी भरा हुआ है नहाने के लिए, टब हो, बाल्टी हो, उस पर आपको लिखना है ओम श्रीम श्रीये नमः। इसी उंगली से आपको लिख देना है ओम श्रीम श्रीये नमः। बस इतना लिखने के बाद आप उस पर ऐसे 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 हाथ घुमाएं पानी में, जैसे आपने इस मंत्र को पानी में मिक्स कर दिया है। दोस्तों ये मंत्र साक्षात माता लक्ष्मी का मंत्र है। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान है। माता लक्ष्मी का तो मंत्र ये है ही है, ठीक है। और उस पानी से दोस्तों आप स्नान करना शुरू कर दें। उस पानी से आप स्नान करना शुरू करें रेगुलर 3 दिन कम से कम आप करके देखें। धन आपके पास बहाने मार मार कर आना शुरू हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है और दिन में कभी भी करें, नॉट नेसेसरी कि आप सुबह ही करें, सुबह करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा दिन में जरूर एक बार तो आप कर ही लें। पानी को, टोटल पानी को आप अभिमंत्रित करें और उसके बाद में आप उसे स्नान कर लें और देखें रिजल्ट। आपकी पूरी बॉडी लक्ष्मी प्रदान हो जाएगी। आप जहां जाएंगे वहां धन अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा, धन आपकी तरफ खींच करके आने लग जाएगा। करके देखें।
काटते रहें, खुश रहें। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे जरूर, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का कॉन्टेक्ट ना करें। कमेंट बॉक्स में मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, सो प्लीज बी सावधान। जय श्री कृष्ण।